हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार आज के वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि यार आज के वीडियो में मैं आपको एंड्रॉइड 11 का एक ऐसा हिडन फीचर बताने वाला हूँ जो कि यार मुझे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा है और आपको भी एंड्रॉइड 11 का फीचर ज़रूर से यूज़फुल लगने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तभी इस वीडियो को लाइक करना। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए यार बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इस हिडन फीचर का यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपके डिवाइस में एंड्रॉइड 11 होना चाहिए। तो आप में से भी बहुत सारे लोग कमेंट करने वाले हो कि एंड्रॉइड 11 का अपडेट कब आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 1-2 वीक्स में आएगा। और यार चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब करके रखो, जैसे ही एंड्रॉइड 11 का अपडेट आता है इंडिया में तो सबसे पहले आपको हमारे ही चैनल पे मिलता है, तो उसे सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, एंड्रॉइड 11 जैसे आपके डिवाइस में आ जाए तो आपको MIUI वर्जन पे 5 से 6 बार क्लिक करना है और आपको यहाँ पे लिखा आ जाएगा यू आर नाउ ए डेवलपर। देख सकते हो मेरा डेवलपर ऑप्शन एनेबल है, तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है एडिशनल सेटिंग्स पे। देख सकते हो यहाँ पे एडिशनल सेटिंग है और यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन का आएगा ऑप्शन, तो आपको डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो मेरा बार बार यहाँ पे आ रहा है नो नीड यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर, मैंने उस पर बहुत बार क्लिक कर दिया था। तो डेवलपर ऑप्शन ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा DSU लोडर। तो यार ये ऑप्शन क्या होता है, एंड्रॉइड 10 में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड 11 में देखने को मिलेगा। तो अगर आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, देखो क्या ओपन होता है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा GSI ARM64 और GSI+GMS ARM64। तो यार अगर आपको सिर्फ ये वाला करोगे, इस पे अगर आप क्लिक करते हो सबसे ऊपर वाले पे, तो आपका ये पासवर्ड मांगेगा जो आपका स्क्रीन लॉक होगा, तो मैं इसे डाल देता हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो यार ये होता क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जब तक वो इंस्टॉल हो रहा है। तो अगर आप अपने डिवाइस में एंड्रॉइड 12 का एक वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हो, मतलब अभी मेरे डिवाइस में एंड्रॉइड 11 है पर आप लेटेस्ट वाला एंड्रॉइड 12 देखना चाहते हो कि आपकी डिवाइस में कैसा परफॉर्म करेगा, तो DSU लोडर आपकी हेल्प करता है। आपका कोई भी डेटा इरेज नहीं होगा, आपके डिवाइस का कुछ भी इरेज नहीं होगा, कोई भी फोटो डिलीट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड 12 का जो जैसा आपके डिवाइस में दिखेगा वो चीज़ें इंस्टॉल कर देगा और आपको दिखाएगा कि कैसा एक्सपीरियंस है एंड्रॉइड 12 का, एक छोटा ऐसा एक्सपीरियंस। ना आप उसमें कुछ ऐप्स यूज़ कर पाओगे, ना आप उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर पाओगे, सिर्फ कॉलिंग वॉलिंग कर पाओगे और यहाँ पे आपको दिख जाएगा एंड्रॉइड 12 का लुक कैसा है। तो ऐसे जल्दी से इंस्टॉल होने देते हैं, ये तकरीबन यार आपकी 1-2 GB नेट ज़रूर से ले लेगा। तो आपके पास अगर 1-2 GB नेट हो या वाईफाई हो तभी आप इनसे इंस्टॉल करना। और यार ये जो इन दोनों में आप ये डिफरेंस क्या होता है ये भी आपको मैं बता देता हूं। ये वाला जो होता है GSI ARM64, ये होता है एक नॉर्मल वाला, अगर आपको सिर्फ शो करना है यार कैसा एंड्रॉइड 12 दिखेगा, सेटिंग देखना है और कॉलिंग वॉलिंग के लिए, तो वो सही है। और GSI+GSM वाला, ये अगर आप इंस्टॉल करोगे तो 3-4 GB आपकी इंटरनल स्टोरेज खा लेगा, मतलब डेटा खा लेगा, और इसमें आप यूट्यूब भी चला पाओगे, ईमेल भी चला पाओगे, प्ले स्टोर से भी ऐप डाउनलोड कर पाओगे, तो इसमें आपको ये फीचर मिल जाएगा। पर दोनों में आपका कोई भी इंटरनल स्टोरेज डिलीट नहीं होगा और आप जैसे ही इसे वापस से रिस्टार्ट करोगे तो आपका जैसा का जैसा फोन है वैसा ही रिस्टार्ट हो जाएगा। आपके इसमें से एक भी ऐप, जितनी भी ऐप है आपके फोन में, कोई भी डिलीट नहीं होगी, आप सेम टू सेम इसे यूज कर पाओगे। तो वीडियो एंड तक देखो, इसे सबसे पहले मैं डाउनलोड होने देता हूं। जैसे ही आपका ये सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा तो यहां पे आपको दिखेगा डायनेमिक सिस्टम इज रेडी, तो आपको सिर्फ रिस्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप रिस्टार्ट पे क्लिक कर दोगे तो आपका फोन रिस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा और यहां पे आपका फोन सबसे पहले आपका यहां पे एंड्रॉइड लिखा हुआ आएगा, आपका रेडमी नोट लिखा आएगा, उसके बाद लिखा आएगा एंड्रॉइड। तो जैसे कि देख सकते हो रिस्टार्ट हो रहा है, तो इसे मैं रिस्टार्ट होने देता हूं। देख सकते हो आप Redmi के लोगो के बाद यहाँ पे एक Android का लोगो बना हुआ आ गया है। आपका फोन सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर अंदर पूरा रिस्टार्ट होकर तैयार हो जाएगा। जैसे ही आपका फोन 1-2 मिनट के अंदर सक्सेसफुली रिस्टार्ट हो जाएगा तो यार आपको ऐसा कुछ लुक देखने को मिलेगा Android 12 वाला। देख सकते हो इसमें कोई भी एप्स नहीं है। अगर आपको सारी एप्स चाहिए जो कि गूगल की एप्स होती है, तो आपको दूसरा वाला वो डाउनलोड करना पड़ेगा, GSM+ARM वाला। और आपको मैं यहाँ पे सेटिंग पे चल के दिखाता हूँ, आपको ऊपर करना और जाना है सेटिंग पे। तो सेटिंग पे देख सकते हो कुछ ऐसा है Android 12 वाला लुक, जो कि Android 12 का अपडेट आया है। और अबाउट में अगर आप क्लिक करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन यहाँ पे S दिखा रहा है। S मतलब क्या होता है गाइस, एंड्रॉइड 12, जैसे कि आप देख सकते हो। और अगर मैं बैक करता हूँ तो आपको लोकेशन, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे नेटवर्क एंड कनेक्शन में आप यहाँ पे नेटवर्क भी कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि वाईफाई भी ऑन कर सकते हो, और यहाँ पे बस गूगल का आप सर्व कर सकते हो और यूट्यूब भी चला सकते हो। तो मैंने वाईफाई भी इसमें चला के देखा था और काफी अच्छे से वर्क कर रहा था। और मैसेजिंग ऐप में आप मैसेजिंग भी कर सकते हो, किसी को अगर आपको मैसेज करना है तो मैसेज भी सक्सेसफुली चले जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और अगर आप किसी को कॉल भी करना चाहते हो तो कॉलिंग वाले ऐप से तो कॉल नहीं होती है, क्योंकि मैंने इसे ट्राई किया था, बार बार ही बंद हो जाता है। पर अगर आप मैसेजिंग वाली ऐप से किसी को मैसेज करोगे, जैसे मैं किसी भी नंबर पर अगर मैसेज करके आपको दिखाता हूं,
तो आप देख सकते हो मैंने एक नंबर पे अभी मैसेज किया और ये सक्सेसफुली मैसेज चला गया है और ये जा चुका है। और यहाँ से आप चाहो तो इजीली कॉल कर सकते हो और उसका देख सकते हो पूरा कॉलिंग का लोगो भी बदल चुका है। तो मैं इस कॉल को कट कर देता हूँ ताकि कॉल ना लग जाए। और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं ये जो नोटिफिकेशन पैनल होता है वो बिल्कुल ही एंड्रॉइड 12 वाला है। यहाँ पे आपको डू नॉट डिस्टर्ब, ऑटो रोटेट, बैटरी सेवर और ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने का, ब्राइटनेस अप एंड डाउन करने का, ये सारी चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप वॉल्यूम कंट्रोल्स इसके देखोगे तो ये भी एंड्रॉइड 12 वाले देख सकते हो। कुछ इस टाइप से इसका लुक देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक इसमें देखने में लग रहा है और काफ़ी स्मूथली वर्क कर रहा है। उसके बाद आप कॉल वॉल्यूम और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। सी मोर पे जाओगे तो आप ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो गाइस ये बस एक छोटी सी चीज़ है ताकि आप एक्सपीरियंस कर पाओ एंड्रॉइड 12 का अपने किसी भी फ़ोन में। आपको पता है कि यार इसमें एंड्रॉइड 12 देखने को मिलेगा या फिर नहीं फ्यूचर में, वो किसी को भी नहीं पता, पर ये छोटी सी चीज़ है ताकि आपको एक्सपीरियंस में कोई दिक्कत ना हो। आप एक बार चाहो तो एंड्रॉइड 12 का एक्सपीरियंस भी ले सको। आप देख सकते हो उसमें सारी चीज़ें, गैलरी वैलरी है जो कि आपके मेन चीज़ें होती है अगर आपको यूज़ करना है, और हर चीज़ वर्किंग है। ऐसी बात नहीं है अगर आप फोटो क्लिक करोगे तो नहीं क्लिक होगी, फोटो भी क्लिक होगी और गैलरी में भी शो होगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। तो यार आपको करना क्या है, ऐसा कुछ करना है। और जब आप इसका काम हो जाए, इससे आपका आपने देख लिया कैसा मेरा एंड्रॉइड 12 का लुक दिखेगा, तो आपको सिर्फ रीस्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जब रीस्टार्ट पे क्लिक करोगे तो जो आपका MIUI था, MIUI 12 जूस पे भी थे आप सेम टू सेम उसी वर्जन पे चले जाओगे। जैसी आपकी एप्स थी या फोटोज थी वो कुछ भी डिलीट नहीं होगी, सब कुछ वैसा ही रहेगा। क्योंकि यार ये इंटरनली अपनी स्टोरेज बस 4GB अलग करके अपने अलग वो बना लेता है, जैसे कि सेकंड स्पेस होता है, कुछ इसी टाइप से वर्क करता है। तो देखते हैं फिर से ओपन हो रहा है। इस बार ये Redmi के बाद MIUI का लोगो आएगा, Android का लोगो नहीं आएगा। हमारा फोन अभी वापस से ओपन हो चुका है, जिस वर्जन पे हम पहले थे हम उसी वर्जन पे आ चुके हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी ऐप्स थी आपको मैंने पहले भी दिखाया था वीडियो में, आप टाइम भी देख सकते हो, वही सारी ऐप्स है, सारी सेटिंग सेम है। तो यार ये जो फीचर था ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और वापस से अगर आपको उसमें प्ले स्टोर विले स्टोर सब कुछ चाहिए तो आपका नेट थोड़ा ज़्यादा लगेगा, पर वो भी आप कर सकते हो। आपको एडिशनल सेटिंग पर जाके, डेवलपर ऑप्शन पर जाके, आपको यहाँ पर जो DSU लोडर है यहाँ पर जाके आपको जो दूसरा वाला ऑप्शन होता है ARM देख सकते हो, ये वाला तो आपका पहले से इंस्टॉल है। तो जब मर्जी आप चाहो, जो अगर आप फर्स्ट वाले वर्जन को करना चाहते हो, आपको सिर्फ रीस्टार्ट पे क्लिक करना है, आपको कुछ भी डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ वन टाइम डाउनलोड है। उसके बाद बार बार आप रीस्टार्ट कर सकते हो, दोनों पे स्विच कर सकते हो। और अगर आपको यार प्ले स्टोर, यूट्यूब ये कुछ एप्लीकेशन चाहिए गूगल की तरफ से, जीमेल, फोटोज, तो आपको सेकंड वाला वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये वाला फिर से आपको पासवर्ड में आएगा और ये वाला ऊपर यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं भी कैंसिल कर देता हूँ, बहुत ही बड़ा है, 4GB करीब आपका डाटा ले लेगा, तो आपको इतना डाटा भी लग सकता है। तो देख सकते हो ये कुछ था, एक मुझे हिडन फीचर मिला तो मैंने आपको बता दिया। और ये बिल्कुल भी रिस्की नहीं है, कोई भी रिस्क मुझे इसमें नहीं दिखा है। तो थैंक यू गाइस हमारी वीडियो देखने के लिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। फ्यूचर में ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।